सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता का कहलाता है मैं अभिमन्यु की बहन अनीशा की मौत का सारा इल्जाम अक्षरा के भाई कार्तिक पर आया है, इसलिए उसे जेल में बंद कर दिया गया है। हालांकि अब वो जेल से फरार तो हो गया है, पर अब शो में आने वाले बड़े लीप में कार्तिक की भी डेथ होने वाली है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कार्तिक की मौत का सारा ब्लेम अक्षरा अभिमन्यु को करने वाली है और अभिमन्यु से अपने सारे रिश्ते तोड़ने वाली है, पर वो क्यों, किस लिए, आइए जानते हैं। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हाँ, कार्तिक के मरने के बाद अक्षरा अभिमन्यु का रिश्ता टूटने वाला है, क्योंकि कहानी में एक साल का बड़ा लीप आने वाला है, जहां पर कार्तिक के जेल से भाग जाने के बाद किसी कारणवश उसकी भी डेथ हो जाएगी और अक्षरा सारा इल्जाम अभिमन्यु पर लगाएगी, क्योंकि अभिमन्यु और उसके परिवार की वजह से ही कार्तिक को जेल जाना पड़ा था, वो भी अनीशा के झूठे मर्डर केस में। जी हाँ, कार्तिक अनीशा एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों की फैमिली इनके प्यार के सख्त खिलाफ थी, इसलिए अनीशा और अभिमन्यु की फैमिली ने कार्तिक को अनीशा की मौत का जिम्मेदार ठहराया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। इसी बात से अक्षरा नाखुश है और वो सारा ब्लेम अभिमन्यु पर कर रही है कि अगर अभिमन्यु और उसके परिवार ने कार्तिक को जेल नहीं भेजा होता तो आज उसके भाई की मौत नहीं होती। इसलिए अक्षरा अभिमन्यु से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ने वाली है और ना सिर्फ उसके घर से बल्कि उसकी जिंदगी से भी इतनी दूर जाने वाली है कि वापस कभी लौट कर नहीं आएगी। तो दोस्तों, क्या अभिमन्यु कार्तिक की मौत का असली गुनहगार है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।